यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हमने KTM RC जो है इम्पोर्ट कराई थी इंडिया से। तो अब हमने सोचा कि एक गैरेज अपने लिए बनवाते हैं, या शोरूम कह सकते हैं उसे, वो बिल्ड करवाते हैं ताकि हम अपनी गाड़ियाँ वहाँ से लिबर्टी सिटी से इम्पोर्ट कराएँ और उन्हें वहाँ बेच के खूब पैसा कमाएँगे। तो आज हम सोच रहे हैं उसका पेमेंट करे आते हैं बिल्डर का। गैरेज तो बन चुका है, तो देखते हैं, आपको दिखा के लाते हैं कैसा है वो हमारा नया शोरूम सो कॉल्ड। इधर ही तो है, ये इधर से जाएंगे। तो जो हमारा टेनिस का जो लॉन था हमारा, वहाँ पे हमने पूरा बनवा लिया है। हमने सोचा जगह का यूज़ करते हैं पूरा, वैसे भी हम टेनिस का खेलते हैं नहीं यहाँ पर, तो देखते हैं। ये है हमारा पूरा शोरूम, हमने पूरा पैसा ले रखा हाथ में। अभी पूरा खाली पड़ा है क्योंकि अभी हम एक भी व्हीकल लाए नहीं है। तो हमने अपनी KTM RC जो है जो इम्पोर्ट कराई थी, कहाँ गई वो? शायद हम अपने गैरेज में ही खड़ी छोड़े आए हैं, अंदर घर वाला जो गैरेज है। पर हमें खड़ी थे KTM RC, हमने खड़ी तो करी थी, शायद हमने वापस वहीं खड़ी कर दी। तो चलिए पहले उस बिल्डर को पैसे दे के आते हैं। मैं लोकेशन दी थी उसने कि मैं उस जगह होऊंगा, देखते हैं किधर थी वो लोकेशन। इधर ही कहीं बताया, यहाँ कहीं बताया था उसने कि मैं यहाँ हूँ। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो बिल्डर। चलिए जाते हैं, उसका पैसा दे के आते हैं। और हम सोच रहे हैं लिबर्टी वाले फ्रेंड को भी फ़ोन कर दें कि हमें गाड़ियों की ज़रूरत है। तो हमारे पास टोटल $3.5 million उसमें पड़े हुए हैं, जिसमें से कि आज $500,000 हम उसे पे करने जा रहे हैं उस शोरूम का। फिर उसके बाद हमारे पास बचेंगे $3 million। हम सोच रहे हैं एक और शोरूम बनवा लेते हैं बिल्डर से कहते हैं। गाड़ी खड़ी करते हैं तुझे। तो हमने उससे पूछा फोन करके, वो कहता है कि यहीं पास के पास है। देखते हैं रास्ता भाई कहाँ चढ़ाएगा क्या हमारे को। ये क्या भाई, ये क्या, ये जल्दी से इसको ब्रेक कर देते हैं, चलते हैं। तो हमने उसे ब्रीफ केस दे दिया है और हम चलते हैं अब अपना घर। हमने उससे बात करी थी कि क्या वो हमारे लिए दूसरा शोरूम बना देगा कुछ जगह पर, तो कह रहा था कि हाँ मैं बना देगा, पर इस बार पैसे ज़्यादा लगे। नाम नहीं है,
कह रहा था काफ़ी महंगी कार है, सिक्योरिटी भी ज़्यादा है नहीं वहाँ पर, तो हम जाते हैं काम से मुका लिया, चले चलते कार। लोकेशन उसने हमें बताई थी, यहीं कहीं बताई थी उसने, यही है शायद वो लोकेशन, चलते हैं जल्दी से। Idiots! Yeah, that's fine. This car costs. क्यों पीछे पड़ गई भाई, हमने क्या कर दिया, कुछ करा भी नहीं है। Great cops, fucking beautiful. भाई हमने तो कुछ भी करा भी नहीं, तब भी हमारे पीछे पुलिस लगा दी। पुलिस वाले भाई जान खा जाते जरा भी, क्योंकि हमने कुछ करा भी नहीं, तब भी हमारे पीछे गाड़ी चुरा ली, पता नहीं क्या ही करेंगे, ले जाने भी देंगे नहीं ले जाने देंगे उनसे गाड़ी में। अच्छा मार का कर लेगा, पुलिस वाले यहीं आ रहे हैं यार, छुपना पड़ेगा। हट गए 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 पुलिस वाले गए, सभी सब्जी चुपचाप चुरा के लाते हैं। गिर गए यार, हम कहाँ से समझ आ नहीं, ताकि ज्यादा शोर ना हो, धीरे धीरे निकलते हैं यहाँ से।
अगर चोर हो गया उन्हें पता चल गई तो खेल खत्म समझो। अब निकलते हैं यहाँ से तेजी से, जल्दी 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 भागो। फिर से गार्ड हैं कि नहीं है देखते हैं, इधर से कोई गार्ड नहीं, चेक करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, छुपते हैं जल्दी से, घर कवर लेते हैं यहाँ पे। नहीं है कोई गार्ड नहीं है, चलो चुपचाप चलो 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 यहाँ से चलो जल्दी जल्दी। हाँ कोई है तो नहीं, देखते हैं, नहीं कोई नहीं है, चलो छुप जाओ छुप जाओ। तो गार्ड्स वहाँ खड़े हैं, यहाँ तो कोई गार्ड, एक मिनट ये गाड़ी कौन सी है, चुपचाप से पास जाके देखते हैं। ये मुझे सियान जैसी क्यों लग रही है, हाँ डेम्पर की सियान है तो भाई। ओह शिट शिट, उसने मुझे देखा नहीं, अच्छा हुआ मैं बच गया। यहाँ एक गार्ड है भाई, गार्ड। शिट 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 शिट, जल्दी से छुप जाते हैं, स्नाइपर निकालते हैं फटाफट। उसने मुझे देख लिया यार, देख पुलिस पड़ गई है भाई यहाँ पे पीछे। जल्दी से गाड़ी लेते हैं, भागते हैं। शायद अभी सेलिब्रिटी ने पुलिस को ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं किया है, हम पुलिस से पंगा नहीं लेंगे ज़्यादा। एक मिनट, जल्दी से निकलने दे भाई, हट जा। ओ शेट शेट भाई, ओ अरे दो स्टार की पुलिस तो वैसी पड़ गई यार पीछे। गाड़ी तो अच्छी है यार, गाड़ी अच्छी भग रही है, पर ये पुलिस वाले, ओ काम कर दिया भाई इन्होंने गाड़ी का। तो हट जा भाई, हट जा, मार पड़ जाएगी नहीं तुझे, हट जा हट जा भाई, हट जा हट जा। वो भाई गाड़ी का ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो सही होने में भी दिक्कत आ जाएगी। इसे हमें बेचना भी है, हम इसे एक काम करेंगे अपने शोरूम में ही रख देंगे बेचने के लिए, या मैं एक बार सोच रहा हूँ इसे अपना पर्सनल व्हीकल ही क्यों ना बना लें। देखते हैं करते क्या है, पहले से यहाँ से पुलिस वालों से बचा के निकालते हैं। पुलिस वाले हैं आगे, ओहो उन्हें पता चल गई हम आ चुके हैं। भाई तुम क्यों दीवार में घुस रहे हो, हम नहीं रुक रहे, स्टॉप मत करवाओ हमें, चलो छुपना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं। तो भाई कहीं पीछा छूटेगा इनसे, यहाँ से निकल लेते हैं। कहाँ का रास्ता है, कहाँ जा, कहाँ रहा है भाई, रुक जा अरे रुक जा रुक जा रुक जा। पुलिस वाले यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पे चुपचाप खड़े रहते हैं, थोड़ी देर में पुलिस वाले अपने आप ही चले जाएंगे ढूंढ डांट कर। चुपचाप खड़े रहते हैं भाई, चुपचाप एकदम। और हमें जब तक आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ऐसे हमें पर्सनल व्हीकल की तरह यूज़ करना चाहिए या शोरूम में से बेचना चाहिए सियान को। चुपचाप इधर ही खड़े रहते हैं भाई, पुलिस वाले कब जाएंगे पता नहीं। चुपचाप यहीं गाड़ी से उतरते हैं, गिर ना जाए भाई, इधर से क्यों उतर रहा, दूसरी जगह से नहीं उतर सकता था। हट गई, चलो पुलिस हट गई, उसे पता नहीं चली अब हम कहाँ हैं। गाड़ी में बैठते हैं चुपचाप, यहाँ से आराम से उतारेंगे ताकि गाड़ी को नुकसान ना हो। रुक जा भाई रुक जा। वो 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 गई गई भाई, खुल गए वो ना टंजर पंजर, सब खुल गए इसके। कोई बात नहीं, गाड़ी हम बेनी से रिपेयर करवा लेंगे, बेनी अपना अच्छा दोस्त है, इतना तो कर ही देगा यार। तो बेनी के अलावा ऐसे अब कोई सही भी नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। तो देखिए पीछे से कैसे खुल गई है, घर के दर यार अपना, अच्छा इधर से जाना है सीधे रोड पकड़ के। अरे भाई घर के रास्ते भी भूल जाता हूँ मैं तो।
यहाँ से सीधे निकलते हैं। कुछ भी कहो भाई, गाड़ी इतना टूट फूट होने के बाद भी 150 तो आराम से पार कर रही है। ब्रेकिंग भी अच्छी काम कर रही है। लीजिए घर आ गया हमारा, शोरूम में खड़ी कर देते हैं। हाँ इसे चलिए घर में खड़ी कर देते हैं। और जल्दी से आप हमें बताइएगा इस गाड़ी का क्या करना है, या इसे हम शोरूम में रखें या फिर ऐसे पर्सनल व्हीकल की तरह यूज़ करें। तो इसको मॉडिफाई भी कराने जाएंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ शेयर करना मत भूलना वीडियो को। तो तब तक के लिए बाय।